पे देखो सामने रेड लाइट है और इधर कुछ ट्रैफिक रूल नहीं है। अभी पुलिस ने एक हेडलाइट तोड़ दिया। और ये एंटर फरक्का ब्रिज पे। अरे संतोष पागल भाई, सीधा रोड में गाड़ी चला चला के हालत एकदम टाइट हो चुका है। मतलब ना रोड ऐसा जा रहा है ना ऐसा जा रहा है, सीधे। फाइनली आ चुके हैं उस जगह पे जिस जगह पे हम लोग जाने वाले हैं, तो बस कुछ ही देर में यहाँ। What is up people, this is Jax and welcome back to the new vlog. तो guys अभी चल रहा है दुर्गा पूजा का सीजन, तो हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पूजा घूमने के लिए। बट ये वाला ब्लॉग हिल्स एरिया वाला ब्लॉग नहीं होने वाला है, ये डाउन साइड वाला ही होगा। हम लोग जा रहे हैं एक लॉन्ग ट्रिप पे, मेरे साथ जा रहा मैं और मेरा मामू। लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने भी देखा था कि मेरे साथ कौन गया हुआ था लास्ट वाले ट्रिप पे, तो वही मामू मेरे साथ जाने वाला है। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं, हाँ अभी मॉर्निंग के बज रहे, इधर देखो टाइम दिख रहा है 7 बज रहे अभी मॉर्निंग के, तो अभी 7:10 बाकी, अभी 7 बजे निकलने का हम लोग का टाइम है। सारा चीज़ रेडी है यहाँ पे, नी गार्ड एल्बो गार्ड ये सब भी, बैग भी रेडी है, हेलमेट भी रेडी है। तो बस अभी यहाँ से निकलेंगे, सीधा बाइक में बैठेंगे। पिलियन के साथ हम लोग जा रहे हैं, सिंगल नहीं जा रहे, तो अभी बाइक लेकर आ रहा है, बस यहाँ से बैठेंगे और निकलेंगे सीधा। तो चलो चलते हैं, बाकी आप लोगों ने थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा, बाकी चलते आगे। और गाइस वीडियो में बने रहना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ठोक देना। तो चलो मिलते हैं आगे आप लोगों से, आगे मिलते हैं आगे। अभी हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे, बाकी अभी मैं राइड नहीं कर रहा, अभी कर रहे हैं मामू राइड। तो आगे जाके हम लोग राइडर स्विच करेंगे, क्योंकि मैंने इसको बोला कि चलो अभी ठंडा है, थोड़ा सा आराम से चलते, तो भी चलाओ आगे जाके जहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद मैं चलाऊंगा। तो बाकी अभी हम लोग एक ही बाइक पे पिलियन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा सफ़र है और सीधा रोड है। हिल्स एरिया होता तो मैं अपना बाइक भी लेके जाता, बट सीधा रास्ता तो दोनों जन एक ही बाइक पे हम लोग जा रहे हैं। तो बस अभी आप लोग को पिलियन के साथ वाला राइड दिखेगा आपको, चलते आगे। अभी रुकते कोई ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। भाई ये रायगंज का रास्ता भाई, एक नंबर रास्ता, बहुत दिन बाद इस रोड पे जा रहे हैं, बहुत दिन बाद। बाकी रायगंज तक आई थिंक रास्ता ऐसा ही है, बीच में तो ख़राब है नहीं, क्योंकि 2-2.5 साल पहले इस रोड से गया था मैं, फिर 2-4 साल बाद फिर जा रहा हूँ। तो भाई ये है कालिया चौक, और ये जो रास्ता गया, ये जो रास्ता कटा, ये हमारे जो बेलोड़ी से सनोली वाला रोड आता है वो उधर से निकलता है। तो हम लोग फालतू का रायगंज होते हुए आए, मतलब हमारे राइडर बढ़िया आगे क्या बताएं आप। अभी हम लोग को भाई अच्छा सा स्वीट्स नहीं मिल रहा कि हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ कर ले, या फिर कोई अच्छा सा शॉप। और ये है कालिया चौक, मालदा में है, नाम तो सुना ही होगा भाई, मतलब मालदा है ये, मालदा कालिया चौक। अच्छा सा स्वीट्स नहीं मिल रहा है। तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एक स्वीट्स में, फाइनली हम लोग को मिल चुका है, और यहाँ पे फटाफट से खाएंगे। मतलब मिल ही नहीं रहा था अच्छा सा कोई रोड साइड में, तो अच्छा सा तो नहीं मिला बट काम चला मिला थोड़ा बहुत। हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अब यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग कोलकाता। तो हाँ गाइस हम लोग जा रहे हैं कोलकाता, इस बार का दुर्गा पूजा हम लोग का कोलकाता में ही कटेगा। मतलब हम लोग दशमी को भी कोलकाता में रहेंगे, दशमी के बाद वाले दिन हम लोग फिर रिटर्न होंगे। बाकी इधर कुछ मार्केट वगैरह भी हम लोग को घूमना है कोलकाता में। सीधा रोड में भाई बाइक में बैठे बैठे हालत ख़राब हो गया। बाकी भी राइडर स्विच करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद, यहाँ से आराम से निकलेंगे कोलकाता, खाते फटाफट निकलते हैं। और फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं फरक्का ब्रिज पे। बोले तो अभी हम लोगों ने जस्ट ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट ख़त्म किए, ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद जस्ट वहाँ से ज़्यादा दूर था नहीं फरक्का ब्रिज। अभी ये फरक्का ब्रिज का नज़ारा आप लोग को देखने को मिलेगा। और भाई पहली बार बाइक राइड करके जा रहे हैं कोलकाता, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो तो आगे चल के पता चलेगा। और ये एंटर
फरक्का ब्रिज पे। बाकी नदी का पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ भाई, यहाँ से ओपन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ। इधर देखो कैमरे पे तो ज़्यादा अच्छा से दिखता नहीं है, और उधर से ट्रेन लाइन साइड से ही देख रहा हूँ ट्रेन लाइन। बाकी चलो फटाफट इसको क्रॉस करते हैं और आगे मिलता आप लोगों से। तो गाइस हम लोग का तो ब्रेकफास्ट हो गया, बट बाइक का ब्रेकफास्ट होना बाकी है। टंकी खाली हो रहा है इसका, बोल रहा है मालिक भूख ऐसे करके चिल्ला रहा था गाड़ी कि मालिक मुझे भी तो कुछ खिला दो। तो बस आगे भी पेट्रोल पंप देखेंगे कोई, वहीं पे रुक के इसका टैंक फुल कर लिया जाएगा। लेकिन ये सब टाइप का तो पेट्रोल पंप पे नहीं जाना है, आगे देखा जाएगा कोई अच्छा सा पेट्रोल पंप, वहीं से टैंक फुल करवा लिया जाएगा। तो गाइस आ चुका है पेट्रोल पंप, पंप 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 पंप। तो अभी तो टैंक फुल करवाना ही पड़ेगा। चलो देखते कितना का तेल आता है। फुल फुल तो भाई अभी देखते हैं कितना तेल आता है। तो भाई साहब बाइक में तेल आया 850 का, क्योंकि ऑलरेडी पहले से तेल था, मतलब 100 किलोमीटर और चल जाता, फिर अभी कहाँ फिर आगे रुकना, इसीलिए पेट्रोल पंप दिखा ले लिए। अभी बस चलते रहना है, सीधा हम लोग को निकलना है सीधा। आगे से रास्ता वास्ता क्रॉस होगा, क्योंकि उधर का रास्ता मेरे को पता नहीं है, तो आगे जाके मैं बाइक मामू को दे दूँगा, क्योंकि उसका जान पहचान का उधर रास्ता, तो टाइम का थोड़ा सा बचत हो जाएगा। फिर भाई हालत ख़राब हो रहा है, सीधा रोड में बैठे बैठे। तभी भी दिखा रहा था कोलकाता 260 किलोमीटर दिखा रहा था, अभी भी हम लोग को 260 किलोमीटर कवर करने में करीब करीब 5 घंटा लगेंगे, क्योंकि सिंगल रोड है, आई फाई ट्रैफिक है, मतलब खाली रोड कहीं पे नहीं है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 1:45, मतलब 12:45 हो रहा है, और अभी भी यहाँ से कोलकाता लगभग 195 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर बचा हुआ है, मतलब 200 किलोमीटर हम लोग को पहुँचने में लगभग 4-5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि अंदर घुसने के बाद तो ट्रैफिक मिलना कॉमन है, क्योंकि ऊपर से दुर्गा पूजा का मार्केट है, ये तो कोलकाता साइड में दुर्गा पूजा लेकर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है, ये पता ही है। बाकी चलो जब तक पहुँच जाए महादेव का साथ, तो फिक्र की क्या बात, हर हर महादेव। पहले अभी हम लोग यहाँ पर रुके, मतलब होटल पे लंच के लिए, अभी टाइम मतलब 1:30 बज रहा है, तो अभी इस टाइप का एक छोटा सा ढाबा टाइप दिख रहा है, हम लोगों ने बाइक यहाँ पे लगा दिया छाव पे, और हम लोगों को खाना है कुछ नान वगैरह। बाकी मेनू कार्ड वगैरह चेक कर लेंगे, और इस लड़के का हाथ देखिए हालत, ठीक है, ओके ऑल गुड, चलो अंदर चलते हैं। तो भाई हम लोगों ने ऑर्डर किया था रोटी और तड़का, मतलब एक्चुअली सीन किया हम लोग को राइस वगैरह नहीं खाना था, तो हम लोग को रोटी और तड़का चाहिए था। ये आ चुका रोटी तड़का, तो ला रहा है, हम लोग यही से हाफ अप करेंगे, क्योंकि ज़्यादा खाना नहीं, क्योंकि राइड करना है अभी, तो ज़्यादा खाना है नहीं, तो बस यहाँ से निकल के सीधा भी कोलकाता में स्टॉपेज होगा हम लोग का, खाते फटाफट खा के निकलते हैं। तो यार खाना पीना हो चुका हम लोग का डन, अभी बस बाइक स्टार्ट कर रहे हैं और निकल रहे हैं हम लोग कोलकाता, वी आर कमिंग। यहाँ देखो राइडर को, देख रहे हो बाबू, हम लोग फुल फॉर्म में
बस ये होटल में हम लोग थे, अभी खाना पीना खा लिए, अभी निकल रहे भाई। तड़का रोटी खाए, तड़का में तो मतलब तेल रोटी खाए हम लोग, तेल रोटी। अच्छा सा होटल मिल ही नहीं रहा, अच्छा सा क्या ही बताऊं। बाकी चलो मेन रोड पे आ चुका हाईवे पे, अब यहाँ से हम लोग को खींचते हुए निकलना है कोलकाता, कोलकाता। ओके लेट्स गो। तो भैया बाइक चलाते चलाते हालत ख़राब, और अभी पहुँच चुके हैं रानाघाट। यहाँ से कोलकाता है लगभग 80 किलोमीटर और स्पीड लिमिट है 80, तो 70-75 पे चल रहा है, क्योंकि साला भरोसा नहीं यहाँ का पुलिस का, कभी भी कुछ कर देता है। बहुत फेमस है यहाँ का पुलिस, बहुत ज़्यादा ही फेमस है। अब 2 घंटा मिनिमम, हाँ 2 से 2.5 घंटा मिनिमम, अभी बज रहा 3:30, मतलब 5 बजेगा, देखो अब क्या होता है। तो भाई साहब हम लोग यहाँ पर रुके पानी पीने के लिए हैं, और ये संतोष पागल भाई सीधा रोड में गाड़ी चला चला के हालत एकदम टाइट हो चुका है। मतलब ना रोड ऐसा जा रहा है ना ऐसा जा रहा है, सीधे ऐसा जा रहा है। और यहाँ पे खूबसूरती लग रहा है कि वे आर इन कोलकाता, फीलिंग लाइक कोलकाता कोलकाता। तो बस यहाँ से भी राइडर स्विच करेंगे, राइडर मिंटू दास के साथ, कैमरामैन इज एक्स, लेट्स गो संतोष पागल। तो भाई पहुंच चुके हम लोग कोलकाता, यहाँ पे देखो मैप देख रहे हैं, यहाँ पे करीब करीब 7.6 किलोमीटर, मतलब हाँ अभी 7.5 किलोमीटर का भी अभी बाकी है, मतलब जिनके घर मैं जा रहा हूँ, तो अभी तो बस पहुँचने में थोड़ी देर, वही 7-8 किलोमीटर करीब लाइव लोकेशन भेजा हुआ है, तो थोड़ा देर में बस पहुँच जाएंगे। तो फाइनली अभी ज़्यादा दूर नहीं है पहुँचने में, पहुँचते हैं फटाफट घर पे, जाएंगे फ्रेश होंगे, फिर देखा जाएगा रेस्ट करना है या घूमने निकलना है। फाइनली आ चुके हैं उस जगह पे जिस जगह पे हम लोग जाने वाले हैं, तो बस कुछ ही देर में यहाँ पे भी एक पंडाल है, पूजा पंडाल। मामू बता रहा था कि मस्त होता है, मतलब छोटा मोटा ही होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बस यही गेट का फुटेज तो ले नहीं पाया, बस अभी हम लोग घर पे घुसेंगे, उसके बाद निकलेंगे हम लोग फ्रेश होने के बाद। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे, देख रहे हो घर पे पहुंच चुके फाइनली। दिन में लास्ट टेक देखा था आप लोगों ने, फिर सीधा मंदिर के गली वाला देखा, मतलब उसी गली होते हुए हम लोग आए, जो मेरे मामू है उसका रिलेटिव का घर आए, तो आज यहीं पे रुकेंगे, कल कहाँ रुकेंगे कोई ठीक नहीं, क्योंकि इसका और एक रिलेटिव है यहाँ पे। तो बाकी अभी घर पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक राइड था आज का, मतलब लंबा 500 किलोमीटर राइड करना बाइक राइड, फिर भी हम लोग ने राइडर स्विच कर कर चलाया, लेकिन बैठना तो सीट पे ही था, बस यही प्रॉब्लम था। तो जो भी हो आज का ब्लॉग बस इतना तक ही रखते हैं, होप कि आप लोग को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो यार मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी सेफ, हर हर महादेव।